प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 अप्रैल को चूरू और 6 अप्रैल को अजमेर के पुष्कर में विजय श्रृंखलाद रैली को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री की चूरू में भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में होने वाली रैली को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। चूरू एसपी जय यादव ने आज सभा स्थल का निरीक्षण किया और सुरक्षा व्यवस्था के निर्देश दिए। वहीं पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि जनसभा से इस चुनाव की दशा और दिशा बदलेगी। राठौड़ ने कहा कि देश का विकास ही चुनाव का मुद्दा रहेगा। चूरू में उद्योग धंधों का विकास और यमुना जल समझौते से पेयजल की व्यवस्था प्रमुख मुद्दे रहेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दूसरी बार चूरू में आ रहे हैं, एक बार सर्जिकल स्ट्राइक जिस दिन वो अपने पधारे, नरेंद्र मोदी जी के आगमन पर अपूर्व उत्साह है। पूरे जिले के अंदर बड़ी संख्या के अंदर लोग आएंगे। हमने अभी 60,000 से ज्यादा कुर्सियां लगाई है और लगभग इतने ही लोगों के खड़े रहने का इंतजाम होगा, बैठने का इंतजाम होगा। अब तक की राजस्थान के सबसे बड़ी सभा कल चूरू में होगी। ये जनसमूह आप देखकर आश्चर्यचकित रह जाओगे। लोगों में अपूर्व उत्साह है, चारों ओर से लोग अपने अपने साधनों से पहुंच रहे हैं और ये सभा इस चुनाव का कल को निर्णायक मोड़ दे देगी। मिशन 25 पूरा होगा, 400 पार का मिशन पूरा होगा। हम एक बार फिर तीसरी बार मोदी सरकार के संकल्प को पूरा करने के लिए कार्यकर्ताओं को यहाँ लेकर